स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर हॉटस्पॉट डाटा लिमिट को सेट करेंगे इन्फिनिक्स के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, सेगमेंट से पहले एक बार तो कह चाहूँगी आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हॉटस्पॉट, इस पर क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हॉटस्पॉट सेटिंग का पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पर वन टाइम डेटा लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जैसे कि ऑफ होगा आपको ऑन कर लेना है। वन टाइम डेटा लिमिट का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेट यूजेस डेटा लिमिट, अब जितना यूज़ करते हैं डेटा लिमिट यहाँ पर सेट कर देना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से आपको टाइप करना है यहाँ पर 2.0। यहाँ पर GB है तो यहाँ पर MB या GB में चेंज कर सकते हैं आप। तो हम कर देते हैं GB और ओके पर क्लिक करना है। तो ये हो चुका है GB। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, एक्स नीडेड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप टर्न ऑफ एंड नोटिफाई ओनली नोटिफाई का ऑप्शन मिला है। तो आप किसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और यहाँ से आप पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर देती हूँ अभी। तो इस तरीके से आप इसको ऑफ करने के बाद ही ये वन टाइम डेटा लिमिट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हॉटस्पॉट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप हॉटस्पॉट पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा। यहाँ से आपको टाइप करना है हॉटस्पॉट पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको हॉटस्पॉट पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप डेटा लिमिट को सेट कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।